गेन करेंगे। तो जो लोग हाई लेवल का पोर्टफोलियो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, अब वो दिखाता हूँ, ठीक है। लोकेश थोड़े से हाई लेवल में थे, ठीक है, और भी दिखाता हूँ कुछ ऐसे लोग जिन्होंने क्या बोलते हैं 5 लाख 6 लाख के पैकेज फोड़े हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया हुआ है अलग जिसकी वजह से उनको इतना पैकेज मिला हुआ है, चलो दिखाते हैं। सब कुछ डिपेंड करेगा आपके पोर्टफोलियो पे, याद रखना बी मीज ऑल अबाउट पोर्टफोलियो, ठीक है। किसी को क्या बोलते हैं 5 लाख 6 लाख भी मिल सकता है, और किसी को 2 लाख भी मिल सकता है, किसी को 1.5, किसी को 1 लाख, और किसी को बिना जॉब के भी रहना पड़ सकता है ड्यू टू विदाउट स्किल्स, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब देखो टॉप परफॉर्मर में जो मुझे पसंद है पोर्टफोलियो वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर नेक्स्ट पोर्टफोलियो है आपका, ये आशिफ भी अशफाक भी यहाँ पर हैदराबाद में एक एमएनसी के अंदर लगा हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। एक अब देखो अशफाक के पोर्टफोलियो को, ठीक है। अब इसने क्या किया, पहले अपने बारे में एक पोर्टफोलियो ऐड कर दिया पहले ही अपने पोर्टफोलियो के अंदर ही, फिर उसने अपने कैट के कुछ प्रोजेक्ट दिखा दिए, फिर सबमिशन ड्राइंग दिखा दिया कैट का, फिर कैट के अंदर इसने 3D बनाया तो वो भी दिखा दिया, फिर रैबिट के अंदर बनाया उसको दिखाया, फिर रैबिट के कुछ वर्क प्लान दिखा दिए इसने, फिर एक रेंडर करके दिखा दिया प्रोजेक्ट को, ठीक है, फिर एक दूसरे प्रोजेक्ट को करके दिखाया। आप सोचो कि ये लड़का एमएनसी में, आप समझ सकते हैं कि मतलब आप तो इस लेवल पर ऑलरेडी बना रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब आप भी हो सकते हो अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। ये प्रोजेक्ट बनाया, ये बनाया, अब इसमें से ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना बना पाओ, ठीक है। तो इसको कुछ 3.2 के आसपास का पैकेज है, ठीक है। देखिए कितने, मैं थोड़ा फास्ट दिखाऊँ जिससे कि पोर्टफोलियो बनाना भी सीख पाए हम लोग। देखो हमने एक ऑफिस बनाया था यूनिक सिविल का, जैसे आपने बनाया तो वैसे ही, बट इसका प्रॉपर्टी का साइज़ कुछ अलग था, ठीक है, पहले वहाँ पर लोग करने वाले थे, तो इस तरीके से ने अलग अलग मॉडल्स बनाए और इसका ये रेडी हो गया, ठीक है। अब हाई क्लास देखिए, हाई क्लास क्या है अभी देखो, इसका 4.2 का, 4.6 का या 4.2 का पैकेज था, ठीक है, एक MNC के अंदर ही, और ये फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और कंपनी आई थी इसके कॉलेज में, और इसके पोर्टफोलियो को देख के कोई कॉलेज में किसी के पास पोर्टफोलियो भी नहीं था, और इसके ऐसा पोर्टफोलियो भी बहुत कम लोग बनाते हैं, इसने पोर्टफोलियो बनाया है। तो ये देखिए यहाँ पर आर्टिक्चर स्ट्रक्चर MVP तीनों का नॉलेज है इसके पास, ठीक है। इसने अपनी स्किल्स लिखी, अबाउट अपने बारे में लिखा, गोल्स के बारे में लिखा, माई स्किल्स लिखा, देख रहे कितना प्यारा लिखा हुआ है इसने, ध्यान से देखिए, माई गोल्स माई स्किल्स, ये सब उसने खुद से क्रिएट किया है पूरे डिज़ाइंस को, बहुत क्रिएटिव इंसान है वो, ठीक है। उसके बाद उसने अपना डिग्री वगैरह दिखाया हुआ है, देख लो यहाँ पर 2022 का पास आउट है ये, ठीक है। और इसके बाद उसने अपना एक्सपीरियंस लिखा, फ्रीलांसिंग करता था थोड़ा बहुत, मेरा एक स्टूडेंट था उसके कंपनी में, तो उसके बाद इसने प्रोजेक्ट बनाया। आप देखो ये आपने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वही प्रोजेक्ट है पोर्टफोलियो वाला, चौधरी प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर इसने दूसरा प्रोजेक्ट बनाया था उस प्रोजेक्ट को ऐड कर दिया, फिर तीसरा प्रोजेक्ट बनाया था उसको ऐड कर दिया। अब थोड़ा फास्ट दिखाऊंगा, घर पे बैठ के आप देखिएगा आराम से। चौथा प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद एक और प्रोजेक्ट दिखाया, फिर एक और गेट का लेआउट दिखाया, केवल गेट बनाया था अच्छा सा, फिर एक स्विमिंग पूल बनाया था उसका लेआउट दिखाया, फिर उसके बाद एक वॉक थ्रू दिखाया, फिर एक और प्रोजेक्ट दिखाया, फिर उसके बाद एक और प्रोजेक्ट। आप देखिए कितने बेहतरीन है, और ये पोर्टफोलियो देख रहे हैं आप, इसके बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है एक्चुअली में, ये उतना अच्छा रेंडर नहीं हो पाया जितना अच्छा है पोर्टफोलियो ये प्रोजेक्ट है। अभी देखिए ये एक प्रोजेक्ट इसने बनाया, एक प्रोजेक्ट ये बनाया, एक रेजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट ये बनाया, एक प्रोजेक्ट ये बनाया। अब सोचिए इसने कितना मेहनत किया होगा इसको करने में, ठीक है, जी जान लगाया होगा तब जाके इस लेवल का वर्क किया होगा। ये हमारे टॉप परफॉर्मर है उसमें से बता रहा हूँ, तो आप समझ जाइए कि अगर इसको 4.2 या 4.6 लग सकता है पैकेज, तो मतलब आप ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा मेहनत कर देंगे तो आपको भी हो जाएगा। उसने रवि स्ट्रक्चर्स के भी प्रोजेक्ट एड कर दिए, MVP के भी कर दिए, और लास्ट में थैंक यू लिख दिया। अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट, जो सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मर के लूप में थी एक लड़की थी, उसका यहाँ पर है क्या, बोलिए रशिका का भी है, ठीक है। रशिका से पहले और आनंद के बाद एक और लड़का था अजय करके, ऑलरेडी इज वर्किंग, ठीक है। और अब देखिए इसका काम, इसने तो ऑटो कैड में ऐसा ऐसा प्लान बना दिया था कि मतलब अलग ही लेवल का। ये देखिए शायद इसका भी केवल ऑटो कैड वाला खोल दिया क्या मैंने, उसके बाद इसने देखो अभी कैसे एलिवेशन दिखाया इसने, उसके बाद एक सेक्शन एलिवेशन कट करके दिखाया, ठीक है। इसके पोर्टफोलियो ही पूरी अलग है, मैं आपको इतनी वैरायटी के पोर्टफोलियो के दिखा रहा हूँ जिससे कि आपकी इमेजिनेशन जा सके कि यार ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। रेंडर्स, दूसरा प्रोजेक्ट का रेंडर, तीसरा प्रोजेक्ट का रेंडर, चौथा प्रोजेक्ट इंटीरियर का किया, उसके बाद एक और इंटीरियर किया, और फिर उसके बाद फिर इसने एक और एक्सटीरियर डिज़ाइन किया, फिर उसके बाद एक और एक्सटीरियर डिज़ाइन किया, और फिर और किया। आपको लग रहा होगा कि सर इतना कम इन्होंने किया, इससे ज़्यादा तो हमने किया हुआ है, नहीं, इन्होंने किए बहुत से थे,
हमने डिलीट करवा दिए, सिर्फ वही रखवाए हैं जो प्रोजेक्ट इनके बेस्ट प्रोजेक्ट्स थे। ठीक है, अब दिखाता हूँ। जिसका टॉप परफॉर्मेंस था वो एक रशिका कदम करके लड़की थी, इसका 6 लाख का पैकेज है मुंबई में। ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि 6 लाख का क्यों लगा है, अभी काम देख के आपको आइडिया लगेगा। वैसे तो पहला ही काम आपको बड़ा ही बेहतरीन दिख रहा होगा, ये एक लाइव प्रोजेक्ट था मेरा, उसने बनाया था। देखो इसने कैसे कंटेंट्स लिखे हुए हैं, सबसे हाईएस्ट इसने किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसने फिर यहाँ पर दिखाया हुआ है अपना एक प्रोजेक्ट, फिर लेआउट वगैरह दिखाया हुआ है प्रोजेक्ट का, फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट के अलग अलग व्यूज़ दिखाए हैं। ये लाइव प्रोजेक्ट ही है, ठीक है, अलग अलग व्यूज़ दिखाए हुए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उसी प्रोजेक्ट का और व्यूज़ दिखा दिया, फिर एक दूसरा प्रोजेक्ट लिया, उसके अलग अलग व्यूज़ दिखा दिए। ठीक है, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू। फिर उसके बाद एक चौधरी प्रोजेक्ट जो आपने बनाया था, वही चौधरी प्रोजेक्ट है, लेकिन आपको देख के लग नहीं रहा होगा कि चौधरी प्रोजेक्ट है, ध्यान से देखेंगे तब समझ आएगा, कह रहे हैं तो चौधरी प्रोजेक्ट है। देखो उसने क्या अलग कर दिया, थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग कर दिया, चौधरी प्रोजेक्ट एकदम नया हो गया। ठीक है, तो यही तो करना है। फिर इसने एक अपार्टमेंट बनाया, आज यही अपार्टमेंट लगभग आपको दिया हूँ। ठीक है, G+5 का अपार्टमेंट है, आज करना है आपको मॉडल उसको। और फिर ये, फिर उसके बाद ये देखो क्या मस्त इसका प्लान भी बनाया हुआ है, आपको देख कर लग रहा होगा कि यार कुछ अलग बनाया इसने। ठीक है, फिर इसको इंटीरियर पहले से आता था, इसने इंटीरियर के फॉर्म में काम किया था, इसका एक्सपीरियंस था, तो इंटीरियर में ही काम किया था इसने। तो ये उसके भी कुछ प्रोजेक्ट हमने कहा कि जब किया है तो ऐड कर दो। एक्सटीरियर पूरा यहाँ पर किया है, इंटीरियर उसने पहले से जॉब किया था 1 साल। तो ये देखिए अभी बाहर का लुक देख रहे हैं आप कैसा बनाया इसने। अब आपको लग रहा होगा कि यार अभी बहुत काम करना बाकी है। देख रहे हो क्या लुक दिया उसने, लैंडस्केपिंग कवर कितना अच्छा करके दिया हुआ इस पूरा। ठीक है, सब का सब इनस्केप से ही किया इसने। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट देखो, ये बाहर से कर दिया, बड़ा सा अपार्टमेंट प्रोजेक्ट था उसको करके दे दिया। फिर कुछ स्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट जैसे होते हैं ना प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन वाला प्रोजेक्ट है इसका। इसके बाद ही इसको इंटर्नशिप का लेटर मिला है, तो जो लोग इंटर्नशिप का लेटर जिसको जिसको चाहिए होता है वो सब बनाते हैं। ठीक है, इसने पूरा डिटेल में बना के दिया था ये, या तो शॉर्ट में मैंने दिखाया। तो देखिए कितना मेहनत किया इन लोगों ने। ठीक है, इस तरह का अगर मेहनत करोगे तो बिलीव करो आराम से आपको, आप मतलब सोचो कि इनको कोई देख के कैसे नहीं रखेगा जॉब पर, मतलब ऐसा स्वाभाविक है कि रखना पड़ेगा जॉब के सामने वाले को। अब इसको बनाया कैसे है? ठीक है, आपने इंकस्केप डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, जिसका नहीं हो रहा है वो वीरे कर सकते हैं, वीरे फॉर रेबिट। ठीक है, कहीं से भी कुल मिलाकर हमें रेंडर चाहिए। ठीक है, रेंडर करके कई ढेर सारी इमेजेस इकट्ठा कर लीजिए, पहला काम ये करना है। दूसरा काम, इसमें से आधा लोगों ने जो पोर्टफोलियो बनाया था वो बनाया था canva.com से। कहाँ से बनाया था? canva.com से, बड़ा आसानी से बन जाता है। और जैसे कि लोकेश का जो पोर्टफोलियो था कैनवा से बनाया है। बाकी और लोगों ने जो पोर्टफोलियो बनाया था वो बनाया था पावर पॉइंट से। कहाँ से बनाया था? पावर पॉइंट से। तो आप चाहे पावर पॉइंट से बनाइए चाहे कैनवा से बनाइए, ये आपके ऊपर है, बस रिजल्ट बेस्ट चाहिए अपने को। 5 दिन दे रहा हूँ विदाउट एनी असाइनमेंट्स, आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा रिजल्ट की लालच है, कि कैसा रिजल्ट चाहिए। ठीक है, देखो सीधे सीधे मेरा ग्रोथ आपके ग्रोथ से है, अगर आपका कहीं पर सिलेक्शन होता है मेरा ग्रोथ हो गया। ठीक है, और ऑलरेडी वही ग्रोथ आपका भी है, इसलिए 5 दिन में हमें बेस्ट पोर्टफोलियो बनाना है अब तक का। ठीक है, बाद में और बनाएंगे जब और अच्छा होने लगेगा, तो पीछे के जो खराब लगेंगे हमें वो हम डिलीट करते चले चलेंगे। ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी जितना आपने बनाया सब ऐड करिएगा, जो उसमें से खराब रहेगा क्या बोलते हैं वो डिलीट कर देंगे। वीरे कौन से मॉडल वाला सर? कोई भी वीरे 16 ले लो, वीरे 18 जो आपको मिल जाए नेट से वो वीरे डाउनलोड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसका इनस्केप नहीं हो रहा है वो लोग वीरे से अपना काम चला सकते हैं। चलो तो दिखाते हैं कि पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं कैनवा से, और कैसे बनाते हैं आपका ये सॉफ्टवेयर PPT से। ठीक है, तो दोनों देख लीजिए, सो देट आप घर पे दोनों की प्रैक्टिस करिएगा। देखो पहले तो पावर पॉइंट से देखते हैं। पावर पॉइंट में कुछ स्लाइड्स फ्री होती हैं, कुछ स्लाइड पेड होती हैं, आप सबको पता ही है। ठीक है, जब यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर कुछ स्लाइड्स रहती हैं नीचे, बट ये पेड रहती है, जैसे कि शायद ये वाला भी पेड रहेगा। ठीक है, देखो ये क्रिएट करो, समटाइम्स वेंट रॉन्ग डाउनलोडिंग द टेम्पलेट। ओके, देखो ये बोल रहा है कि रॉन्ग है। ठीक है, हम ब्लैंक PPT खोल लेते हैं, हम खुद से क्रिएट कर लेंगे, कोई बात नहीं। इस तरह से PPT आपको डाउनलोड कर लेना, मतलब ओपन कर लेना है। कुछ
इमेजेस होने चाहिए आपके पास रेंडर, ठीक है। रेंडर इमेजेस आप आराम से कर लीजिएगा। रेंडर करने के बाद अभी से कुछ मेरे पास कुछ रेंडर प्रोजेक्ट्स होंगे, मेरे पास कुछ रेंडर प्रोजेक्ट्स हैं। अब पीपीटी में क्या करना है, अभी आप लोगों ने पीपीटी देख ही लिया सबका, मतलब परियोजना सबका तो देख ही लिया, पोर्टफोलियो ऊपर वाला डिलीट कर दो, इसका कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पर एक अच्छा सा पोर्टफोलियो इंसर्ट कर दो, इससे पहले कुछ नए नए स्लाइड्स, जितने स्लाइड आपको लगेंगे ऐड कर लेना। और सिंपल उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर गए, यहाँ पर आने के बाद एक इमेज बढ़िया सा बीआईएम का कोई एक बढ़िया टेक्सचर डाउनलोड कर लेना बीआईएम के रिलेटेड नेट से, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद मेरे पास एक है सिंपल सा, पर आप जितना मेहनत कर सकते हो उतना अच्छा वाला है फर्स्ट पेज पे बनाने के लिए, जो प्रेजेंट करे कि ये बीआईएम का ही पोर्टफोलियो है, ऐसा एक पिक्चर ऐसे लगा लेता है, विच लुक लाइक दिस इज द बीआईएम पोर्टफोलियो। अब इसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम तो लिख ही लेंगे, ईमेल आईडी तो लिख ही लेंगे, आपका पहला पेज डन हो गया, बस सिंपल सा। फिर चलिए दूसरे पेज पे, दूसरे पेज पर लिखिएगा आप अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। तो अबाउट माई सेल्फ, अपने बारे में, जैसे सबने लिखा हुआ है वैसे ही आप बेहतरीन तरीके से अपने बारे में लिख दीजिएगा। अब वो मैं नहीं लिखूंगा, आपको पता है, लिख लेंगे। फिर मान लीजिए तीसरा पेज पर आ गया, तीसरे पेज पर आने के बाद फिर से आप इंसर्ट पर जाइएगा, एक और जो आप रेंडर करेंगे आप प्रोजेक्ट्स को, उन प्रोजेक्ट्स को रेंडर करने के बाद जो आपको अच्छे दिखेंगे वो प्रोजेक्ट को, सपोज मुझे ये प्रोजेक्ट मेरा अच्छा लगा पहला, और फिर मैंने इसको ऐड कर लिया ऐसे ऐसे करके, और आपको लगता है कि मेरे इमेजेस के जो साइजेस हैं इतने इतने हैं, तो याद रखिएगा जो भी साइज रखिए हर पेज पर सेम साइज रहे, मतलब अगर ऐसे कर रहे हैं तो मार्जिन दोनों तरफ बराबर रहे, ठीक है, जिससे कि खराब ना दिखे। देखो इधर जितना छोटा है उतना ही मैंने उधर भी छोड़ा है, जिससे कि देखने में अच्छा लगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप कि अगर इसको हम लोग ऐसे किया और इसके बगल में एक इसका प्लान व्यू, जो ऑटोकैड की जो फाइल है वो प्लान ले आ दिया, प्लान 3D, तो सामने वाले को और अच्छा लगेगा, अच्छा इसने प्लान बनाया है 3D बनाया। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, बोलो सर 3D वाला ऑटोकैड का फाइल कैसे लेके आएंगे, स्निपिंग टूल से। यहाँ सर्च करना क्या, स्निपिंग टूल, ये देखो यहाँ पर स्निपिंग टूल है, जस्ट स्निपिंग टूल पर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुरंत पूछेगा न्यू। इमेजिन करो कि ये एक ऑटोकैड खुला हुआ है, ऑटोकैड में से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लेना अपने प्लान का, सिंपल ले लिया स्क्रीनशॉट। जैसे स्क्रीनशॉट ले लोगे तुरंत यहाँ पर सेव बटन पर सेव करना, और तुरंत आपका फाइल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। समझ लो कि ऑटोकैड प्लान है, और फिर उसको भी इंसर्ट कर लो, क्लियर है। तो प्लान 3D ऐसा भी रख सकते हो। उसके अलावा एक और तरीका है, एक ही प्लान के चार व्यू, छोटे छोटे छोटे, जैसे देखा रशिका ने किया था, एक प्लान के चार चार व्यू कर लिए थे, आप वैसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक प्लान और ले लीजिए, सपोज ये प्लान है, इस प्लान के आप चार व्यू निकाल लीजिए, ठीक है। अभी ये फिर स्क्रीन शॉट वाला गलती से आ गया, ठीक है, दूसरा ले लीजिए। अब इस प्रोजेक्ट का अगर आपने चार व्यू निकाले हुए हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू निकाले हुए हैं, तो फिर आप उन व्यूज को भी अलग से दिखा सकते हैं, और नहीं निकालना है आपने केवल तो एक ही जो आपने व्यू निकाला है वही कर दीजिए, ठीक है। कोई है, बड़ा जल्दी आ गया, सफेद ब्रह्मा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक और पेज तैयार हो गया आपका, ये वाले से क्या हुआ था आपका एक पेज और निकल के आ गया था, तो आपके क्या हो गए, दो तीन पेज, तीन पेज रेडी हो गए। इसी तरीके से करके हमको लगभग 35 से 40 पेजेस तक चलना है, फिर उसमें से कुछ पेज बाद में डिलीट कर देंगे जो अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद पिक्चर्स पे क्लिक करना, तो इसके बाद थर्ड इमेज लिया, सपोज ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, इसको भी लगा दिया। देखो कितना आसान है, कुछ करना नहीं है ना, ठीक है, बस ऐसे ही करना। फिर नेक्स्ट इमेज पे चल गए, मतलब नेक्स्ट पेज पे चले गए, नेक्स्ट पेज पे सेम वही काम कर दिया, ठीक है, ऐसे करके लिए, और यहाँ पर इंसर्ट। अब इसमें आपको कुछ क्रिएटिविटी बीच में याद आती है कि सर ऐसा भी हम कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन होगा कि आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएं, ठीक है। अभी देखा उसने, आनंद ने क्रिएटिविटी अपनी दिखाई थी यार पेज पे, ठीक है। आप लोग सर क्या क्रिएटिविटी थी उसकी, उसकी क्रिएटिविटी थी पेज को एकदम इमेज को छोटा छोटा कर दिया था उसने, उसके पोर्टफोलियो में। तो आप अपने पेज को खुद से डिजाइन कर सकते हैं, ये देखिए इसने क्या कर रखा था,
इमेज को एक साइज में रखा था कि बीच में इमेज रखेंगे, और ऊपर लिख दिया माई प्रोजेक्ट वॉक थ्रू, माई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का नाम दे दिया माई प्रोजेक्ट, ऐसे 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 करके आप ऐसे भी दिखा सकते हो, एक फिक्स साइज दिखा दिया, बॉर्डर बना दिया और ऐसे ऐसे करके दिखा दिया, ठीक है। तो आप ऐसा बनाओ तो भी सही, और जैसा भी हम लोग बना रहे हैं वैसा बनाए तो भी सही है, ठीक है। तो मान लीजिए पोर्टफोलियो आपका रेडी हो गया, अब इसको सबमिट कैसे करेंगे, मतलब कंपनी को कैसे भेजेंगे, तो कंपनी को भेजने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर जाना है, सेव एस पे जाना है, कहाँ जाना है सेव एस पे जाना है, ब्राउज पे जाना है, पीडीएफ पे जाना है, कहाँ जाना है पीडीएफ, और जैसे पीडीएफ पे जाके तुरंत क्लिक कर देंगे आपका पीडीएफ जो है वो डाउनलोडिंग के मुद्रा में आ जाएगा, नाउ योर पोर्टफोलियो इज रेडी नाउ, ठीक है। 2 मिनट लगा, पोर्टफोलियो आपका रेडी हो गया, इस तरह से करना है। आगे एवरेट पेज ऐड कर देना, ढेर सारा बहुत अच्छा बन जाएगा। दिस इज द वन मेथड ऑफ क्रिएटिंग द पोर्टफोलियो, ठीक है, जिसमें कम से कम आप 35 पेज बनाइए अच्छा सा, एक में आप 4 व्यू दिखा दीजिए, एक उसका एक अलग व्यू दिखा दीजिए, ऐसे ही आपको सोचना है, क्योंकि अगर मेरे मेथड से बनाओगे तो हो सकता है सबका पोर्टफोलियो मर्ज हो जाए, कि वैसा ही सबका दिखने लगे, आई वॉन्ट कि सबका डिफरेंट 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 हो, ठीक है। तो सोचना, और पीपीटी से बनाना होगा तो बना लेना। दूसरा मेथड है पोर्टफोलियो बनाने का, कोई चाहे तो दोनों मेथड ट्राई कर सकता है। तो दूसरा मेथड है कैनवा डॉट कॉम, क्या है कैनवा डॉट कॉम, सिंपल बन जाता है आपका ईमेल आईडी, जीमेल से ही खुल जाता है कैनवा, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कैनवा करने के बाद आपको क्या करना होता है, कैनवा के अंदर यहाँ पर क्रिएट डिजाइन करके ऑप्शन होता है, क्या होता है क्रिएट डिजाइन, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हर तरह के डिजाइन वैसे तो आप बना सकते हो, पर अपने को जो बनाना है वो एक प्रेजेंटेशन देना है, एक तरीके से क्या करना है प्रेजेंटेशन, तो देखो प्रेजेंटेशन वाला होगा ये 16:9, 1920x1080, ये सबसे अच्छा होता है, ठीक है। कुछ लोग डॉक्स में बनाते हैं, लेकिन डॉक्स में आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आपके लिए प्रेजेंटेशन वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस पर क्लिक कर दिया, लास्ट बैच में तो कई लड़कों ने इससे भी बनाया था, उससे भी बनाया था, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे किसे बनाना चाहते हो। ये जब आप आओगे तो स्टार्टिंग में दिखाएगा कि कैसे कैसे काम करना है, फिर कैसे लास्ट में प्रेजेंट करना है। देखो पहला काम ये आ गया आपके पास सीट, अब यहीं पर आपको इमेज वगैरह ऐड करने हैं अपने, उससे पहले यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिख दीजिएगा बिल्डिंग, तो एक अच्छा सा टेम्पलेट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे बिल्डिंग क्लिक करेंगे कुछ टेम्पलेट यहाँ पर पेड भी होंगे, ठीक है, तो आपका मन करे तो आप पैसा खर्चा करिए, वैसे मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये फ्री है, ये फ्री रहेगा, ये फ्री रहेगा, ये जो है ये प्रो लिखा हुआ है, तो मतलब ये पेड है, और ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपको फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। इससे सपोज मान लीजिए कि ये वाला अच्छा लग रहा है, अब ये देखिए प्रो लिखा हुआ, मतलब ये पेड है, ये फ्री है, ये फ्री है, जो बिल्डिंग का पोर्टफोलियो अच्छा लगे टेम्पलेट, वो टेम्पलेट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। खूब ढेर सारा देख लीजिए, आराम से टाइम दीजिए इसको। मैं 5 दिन बोल रहा हूँ, क्यों 5 दिन बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 1 दिन तो आपको टेम्पलेट बेस्ट से बेस्ट चूज़ करना, फिर उसको एक लिया मज़ा नहीं आया, ऐसा भी हाल हो जाएगा, ठीक है। मुझे ये पोर्टफोलियो थोड़ा सा इम्प्रेस कर रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो अब मैं इसी को क्लिक करता हूँ, क्लिक कर दिया। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपने, वैसे ज़्यादा अच्छा नहीं है रंग, क्योंकि इसमें डिटेलिंग ज़्यादा हुई है, ये वाला ले लेते हैं बिल्डिंग वाला, ले लिया, पहला पेज रेडी। फिर यहाँ पर प्लस का सिंबल दिख रहे हो आप, अलग अलग पेजेस, जितने पेज चाहिए आपको पेजेस सेट करते चले जाओ, ठीक है, जितने पेज चाहिए आप एडिटिंग कर लो। अब आते हैं दूसरे पेज पे, तो दूसरे पेज के लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा दूसरा पेज। अब दूसरे पेज में क्या करो, दूसरे पेज में आप चाहो तो इसको, ये मैडम जी बहुत बड़ी फ़ोटो है इनकी, आप छोटी सी फ़ोटो अपनी लगा लो, यहाँ पर लिखो अबाउट माई सेल्फ, और यहाँ पर दे दो अपने बारे में, ठीक है, सिंपल तरीके से, जो चाहिए नहीं चाहिए, कोई बर्ताव नहीं, कोई उससे मोहब्बत नहीं, डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दिया, आपको ये लर्न मोर वगैरह नहीं चाहिए हटाओ, ये नहीं चाहिए हटाओ। आपने बोला सर यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ अपना नाम और ईमेल आईडी, तो आप यहाँ टेक्स्ट ऑप्शन पर जाइएगा, टेक्स्ट ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर ऐड हेडिंग, अगर डार्क में लिखना है, पतले में लिखना है तो ऐसे करना, और यहाँ पर सपोज आपने कुछ भी अपना एक्स वाई जेड नाम लिख दिया, और नाम लिखने के बाद ईमेल आईडी लिखा और यहाँ रख दिया, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। ये मोहतरमा अगर डिलीट हो गए तो डिलीट होने तो फिर से इम्पोर्ट हो जाएगी फाइल, तो यहाँ पर आपने लिखा
अबाउट माई सेल्फ, पीछे वाली स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा किया, और यहाँ बेहतरीन टेक्सटाइल में खूब टाइम देके अपने आप के बारे में खूब जितना बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो लिखने का प्रयास किया। ये मत सोचना कि यही जो लिखा है इसी को रहने दो, इसमें जो लिखा है वो समझ हमें भी नहीं आएगा, तुम्हें भी नहीं आएगा, और जिस कंपनी में जाएगा उसको भी समझ नहीं आएगा। तो अबाउट योर कंपनी हो गया, फिर से आप अपने डिज़ाइन पर चले जाना, और अब आपको जाना है पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर आपको क्या करना है, आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाना है। तो प्रोजेक्ट दिखाने के लिए अब ये सब रहेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं सबको डिलीट कर दो। आपने कहा सर ये वाली फोटो बड़ी अच्छी लग रही है और ये वाली बहुत अच्छी लग रही है, तो इसको मैं इस पे चले जाएगा क्या, अभी के लिए उस पे कर दिया हमने, रखा है ऐसे, बाद में उसको चेंज कर देंगे। ये वाली फोटो सपोज आपको बहुत अच्छी लगी, ऐसे आप कर लीजिए, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। जरूरी नहीं कि आप यही टेक्सचर यूज़ करो, आप कोई भी यूज कर सकते हो। फिर मैंने क्या कर दिया, इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, इसको क्या कर दिया, इसके ट्रांसपेरेंसी के दम हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट कर दिया, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी इसकी कम हो जाएगी किसी भी फोटो की। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपना 3D इमेज जो आपने गूगल से जो आपने बनाया है प्रोजेक्ट को, अपलोड ऑप्शन पे जाइए, और अपलोड ऑप्शन पे जाके फाइल अपलोड करके ऑप्शन आएगा, जो जो आपने रेंडर किए हुए हैं सारे रेंडर को एक साथ चाहो तो चाहे फिर अलग अलग, आप बढ़िया बढ़िया जो भी रेंडर है आपके उठा लो, उठाने के बाद ओपन कर दो, सिंगल सिंगल भी कर सकते हो एक साथ भी कर सकते हो। आपने कहा सर ये वाला प्रोजेक्ट में यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ, लगा दीजिए। कभी कभी ऐसा होगा कि आप गलत करोगे देखो पीछे एक बैकग्राउंड चला गया ना, वो तो इसको ऐसा करना है कि बैकग्राउंड में ना जाए, बस उतना ही बड़ा करना है। एक पोर्टफोलियो आपका रेडी हो गया, ये थोड़ा सा इम्प्रेशन और अच्छा कर देगा। ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो जाए कंट्रोल जेड करके आप बाहर आ सकते हैं, वो उसका रहा है कि इतना ज़्यादा बड़े साइज का मत रखो, नहीं तो उसको खुद ही उसको कवर कर ले रहा है वैसा वैसा। ठीक है, छोटा कर देते हैं, वो कह रहा है ज़्यादा बड़ा इमेज मत रखिए आप क्योंकि उसको कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, मान लो अगर ऐसा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सेलेक्ट करो, पोजीशन उठाओ, बढ़ा दो, ये हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि आपको और टेम्पलेट की ज़रूरत है यहाँ से, तो आपने बोला यस सर मैं चाहता हूँ ये वाला टेम्पलेट यहाँ पर सेट हो जाए तो फिर मैं अपना अपार्टमेंट वाला प्रोजेक्ट दिखा सकूँ। तो आप इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, इसको साइड कर दीजिए, या फिर ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। अभी आपने पता चल गया कैसे ट्रांसपेरेंट करना है, हल्का सा ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दीजिए। आपका अपार्टमेंट का कोई प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर तुरंत जाइए अपलोड पे, अपलोड पे क्लिक करके अपार्टमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट उठा लीजिए, वैसे हमारे पास नहीं है अपार्टमेंट पर, कोई बात नहीं संतोष कर लेंगे, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। क्या हो गया, आपका प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट अच्छा हो गया इसकी वजह से। अब नेक्स्ट, अब ये छोटी छोटी चीज़ें इनको भी डिलीट कर देना। ठीक है, अब इसको बनाने में मैं तो आपको 10 मिनट बना के दिखा रहा हूँ, आपको इसको बनाने में कम से कम 20-25 घंटे लगाने हैं जिससे कि आप बहुत बेहतर ढंग से इसको कर सको। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपने कहा मैं ये वाला दिखाना चाहता हूँ, इंडिविजुअल दिखाना चाहता हूँ, या फिर आपका मन किया कि मैं इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू सब दिखाना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट करना और इमेजिन करो कि यही सब कुछ है, हर व्यू यही है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट हो जाएगा। आपने इसका राइट व्यू दिखा दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आपने इसका लेफ्ट व्यू दिखा दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आपने इसका फ्रंट व्यू दिखा दिया। ऐसे करके आप इमेज को सेट भी कर सकते हैं, एक ही इमेज में आपके हर एक व्यूज प्रेजेंट हो गए। ठीक है, वो हर काम यहाँ से कर सकते हैं, आप जितना आसानी से देख रहे हो कि मैं चला रहा हूँ इतना आसानी से आपसे कैनवा नहीं चलेगा। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि इस कैनवा पर मेरा काफ़ी प्रैक्टिस है एज कम्पेयर टू यू, ये नहीं बोलूँगा मैं बहुत एक्सीलेंट हूँ इसमें, बट क्योंकि मैं कई बार इस पर काम कर चुका हूँ इसलिए मुझे प्रैक्टिस जल्दी जल्दी हो रहा है। आप परेशान मत होना कि सर टाइम क्यों, मुझे लग रहा है सर को तो जल्दी जल्दी हो रहा था, तो क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर रखा है। आप भी इसको जब 15-20 घंटे चलाएंगे अपने आप इस पर अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। फिर चलते हैं डिज़ाइन पे, आपको लगता है कि क्या बोलते हैं मुझे ये वाली गैलरी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा एक फ़ोटो अच्छा सा बड़ा सा पोस्टर टाइप कुछ आ जाए, बिल्कुल आप कर लीजिए। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके प्रोजेक्ट छोटे छोटे
कट 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 कर 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 फोटो लगा सकते हो यहाँ पर, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको कुछ और करना है, ऐड करिए। ऐड करने के बाद आपको लगता है यहाँ से कुछ लेना है तो लीजिए, लेने नहीं लेना कोई कंपल्सरी नहीं है। अब आप डायरेक्ट अपना इमेज इम्पोर्ट कर लीजिए। ठीक है, पीछे का टेम्पलेट चाहिए तो लीजिएगा, नहीं चाहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपका तो खुद का टेम्पलेट आपने रखा हुआ है ना, एक प्रोजेक्ट मान लीजिए आपका यही है। तो इसमें भी आसान है, पावर पॉइंट की तरह बिना टेम्पलेट यूज किए सिंपल 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 बना सकते हो, या फिर टेम्पलेट यूज करके थोड़ा बोकाल वोकाल भी बना सकते हो। लाइक दिस हो गया। जब पोर्टफोलियो आपका रेडी हो जाए, इमेजिन करो कि रेडी हो गया, तो फिर आपको यहाँ पर शेयर बटन पे क्लिक करना है। शेयर बटन पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड्स पर क्लिक करना है, और डाउनलोड्स पर क्लिक करने में देखो ये क्या आ रहा है, पीडीएफ स्टैंडर्ड, जस्ट पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, देखिए आपका पीडीएफ डाउनलोड हो गया। अब इसको आप देखेंगे, किसी को भेजना है आराम से आप मेल करके भेज सकते हैं। ये पोर्टफोलियो जाएगा नहीं, आपके अकाउंट में ऐड रहेगा। सो इन फ्यूचर आपने कुछ और प्रोजेक्ट बनाए, प्लस करिएगा ऐड करते जाइएगा, प्लस करिएगा ऐड करते जाइएगा, तो ये पोर्टफोलियो अकाउंट आप ही का रहेगा। ठीक है, अब देखिए इस कितना अच्छा पोर्टफोलियो दिखने लगा, छोटे से एक तो अभी कुछ किया नहीं हम लोगों ने, जस्ट थोड़े थोड़े से काम किया, तो देखो आपके पोर्टफोलियो में पिक्चर्स आ गए, पोर्टफोलियो में अलग अलग व्यूज़ आ गए, एक ही प्रोजेक्ट के अलग अलग व्यूज़ दिखने लगे। ठीक है, इसको आप क्लिप भी कर सकते हैं, मतलब कैनवा के अंदर कोई इमेज को टेढ़ा मेढ़ा करना है वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये पिक्चर ऐड किया था ना ये वाला, अब इस पिक्चर का मुझे ये व्यू नहीं चाहिए, मुझे दूसरा व्यू चाहिए, तो यहाँ पर जाके आप इसको फ्लिप कर सकते थे। ये देखो फ्लिप हो गया। ठीक है, इसको भी आपको फ्लिप करना है तो आप फ्लिप कर सकते हैं। आपने कहा सर जो मैंने पोर्टफोलियो का रेंडर निकाला है, गलती ये हो गई कि रेंडर की क्वालिटी नहीं आ पाई है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने रेंडर किया ये वाला मान लीजिए, ये ले, कोई इंडिविजुअल ले लीजिए। ठीक है, चलो ये ले लेते हैं, इस पर अच्छा आएगा, ये खुद ही वो बेकार है। ठीक है, आपने कहा ये वाला प्रोजेक्ट हमने किया था, बट इस प्रोजेक्ट का सर क्वालिटी जितना आना चाहिए था उतना आ नहीं पाया, तो कोई टेंशन नहीं है, सामने वाला हटाओ। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आपको लगता है कि पोर्टफोलियो की क्वालिटी नहीं आ पाई, मतलब इमेज की क्वालिटी नहीं आ पाई है, इसका क्वालिटी नहीं आ पाया, मुझे और क्वालिटी बढ़ाना है, तो यहाँ पर वो भी कर सकते हो। कैसे, सेलेक्ट करना एडिट फोटोज, मान लो रेंडर आपका अच्छा नहीं आ ज़्यादा तो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एडिट में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए इसको, देखिए ये कलर आपको चाहिए, इसको फिल्टर के नाम पे आप जानते हो, आज के टाइम पे बड़ा फेमस हो गया है फिल्टर। आपके ऐसा क्वालिटी चाहिए था, आपको ऐसा चाहिए था, आपको और हाईलाइट थोड़ा ऐसे चाहिए था, तो आपने अगर रेंडर खराब भी थोड़ा बहुत कर लिया है तो यहाँ से आप उसको कवर अप कर सकते हैं। मुझे ये वाला थोड़ा सा हाईलाइट और अच्छा दिख रहा है। ठीक है, यही नहीं वो आता नहीं आजकल टिकटॉक पे, यही नहीं अभी रुको, तो और इंटेंसिटी आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इंटेंसिटी हमने कम कर दिया तो ये हल्का दिखने लगा, इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो और अच्छा दिखने लगा, और बढ़ा दिया, बाकी आप ये देख ही रहे हैं ऑटो फोकस वगैरह पता नहीं क्या क्या है, देखते हैं, मैंने भी यूज़ नहीं किया ऑटो फोकस, देखते हैं। अच्छा, ये खुद से ही फोकस बढ़ा देगा, खुद से ही उसको ब्लर वगैरह कर देगा, जैसे इधर का पोर्शन ब्लर कर दिया पीछे का और ये कर दिया, तो आपको चाहिए तो इसको भी यूज़ करिए, नहीं चाहिए तो ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। ऊपर आइए, और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर है, जैसे कि एडजस्ट कर सकते हैं आप, एडजस्ट मतलब जैसे कि आपको लगता है कि थोड़ा सा मैं इसके टेम्परेचर को हल्का करूंगा, ये देखो आप इमेज पे इफेक्ट देख रहे हो ना आप, तो मतलब आप अपने पर्टिकुलर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, उसको फिल्टर दे सकते हो प्रोजेक्ट को, उसको बेहतर कर सकते हो, तो कैनवा का एडवांटेज यही मिलेगा आपको, पीपीटी में एडवांटेज नहीं मिलेगा आपको कि आप एक एक प्रोजेक्ट का मेकअप करो। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो, ब्राइटनेस आप देख रहे हो कैसे बढ़ा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, तो जो रेंडर कम भी अच्छा हो पाया वो भी यहाँ पर आप बेहतरीन कर सकते हो। इस तरीके से ठीक है, जब आपको ना पसंद आया रीसेट कर दीजिए, खत्म बवाल, ठीक है सब रीसेट हो जाएगा। क्रॉप भी कर सकते हो, आइटम की क्रॉप की जरूरत है, बट कभी क्रॉप करना हुआ तो इसको कितना आपको साइज चाहिए वो कर दीजिए, एडजस्ट कर दीजिए, इफेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब इफेक्ट में बहुत ढेर सारे इफेक्ट हैं, आप सर्च करिएगा, बहुत ढेर सारे फिल्टर्स हैं और यहाँ पर टूल्स भी बहुत ढेर सारे हैं, बट ये प्रो हैं तो हम लोग पैसा नहीं खर्च करने वाले हैं, तो इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं। चलिए, और आपको क्या फीचर दिखा दो इसमें, एक तो हो गया फ्लिप हो गया, ये समझ गया आप, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, एलिमेंट की जरूरत आपको पड़ सकती है, मान लीजिए आपने फर्स्ट पेज पर आपको लिखना है यहाँ पर, मान लीजिए ये पट्टी अभी तो है, मान लीजिए नहीं है तो आपको यहाँ पर एक अपना नाम लिखना है बढ़िया सा,
तो आप यहाँ से एलिमेंट कोई भी ले लीजिए ऐसे करके, और अब इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो पीछे छुप जाएगा ये, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो एक कॉपी आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा, और फिर पीछे वाले को डिलीट कर दीजिए। आपने कहा सर ये पीछे वाली इमेज चेंज कर, इसका कलर चेंज कर सकते हैं? यस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको एक दिन में पोर्टफोलियो, एक दिन में कैनवा भी बढ़ा दिया। ठीक है, आपको जो कलर अच्छा लगे वो कलर आप यूज कर लीजिए, डन हो गया। उसके अलावा आपको यहाँ पर अपलोड समझ में आ ही गया, टेक्स्ट समझ में आ ही गया, कुछ लिखना है और मान लीजिए लिखा नहीं है, हटा दीजिए इसको, आपको अपने से लिखना है ये लीजिए, ठीक है, ऐड टू हेडिंग ही लिखना है, लिख लीजिए, डबल क्लिक करके एडिट कर लीजिए। जो लिखे हैं इसके साइज को बढ़ाना है, तो ये देखो यहाँ से साइज बढ़ा सकते हो। उसको टेक्स्ट कलर देना है, टेक्स्ट का जो कलर चाहिए वो कलर दे दो यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद बोल्ड करना है बोल्ड कर दो, बोल्ड नहीं करना है इटालियन करना है, इसको इधर से लिखना है या फिर बीच में लिखना है, जिधर क्लिक करेंगे इधर हो जाएगा, जिधर क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके वो उधर की तरफ वो शेप ले लेगा। नंबरिंग करना है 1 2 3, ये पता ही है। इफेक्ट्स भी आप यहाँ पर लगा ही सकते हैं, देखिए मतलब आपका टेक्स्ट जो है नाम आपने लिखा हुआ है, आप चाहते हैं नाम में भी थोड़ी क्वालिटी आ जाए, तो क्वालिटी में आपने कहा मुझे ऐसी क्वालिटी चाहिए, इट्स अप टू यू, वैसे अच्छा वही लग रहा था, ऐसी क्वालिटी चाहिए, ये भी आप कर सकते हैं। तो देखो कितना कुछ है इसके अंदर जो आप कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं डॉल, बाकी ड्रॉ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कुछ हेडिंग ऐसे करना है, इसकी ज़रूरत है नहीं अपने को, देख सकते हो बस हो गया। ठीक है, और दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग्स, दैट्स इट। मज़ा आया, समझ में आया क्या कैनवा? होप सो आ गया होगा, ज़्यादा कुछ तो नहीं था। कमेंट करके बताओ कैनवा समझ में आ गया क्या, कैनवा और पीपीटी दोनों आ गया कि नहीं समझ में, कमेंट करिए। ओके, आकिब को तो आ गया, जिसको नहीं आया बता देना, ठीक है, वैसे रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं आपको। देखो हमें क्या है, हमें आपको आधे घंटे में सब एक्सप्लेन करना होता है, 1 घंटे में, इसलिए हमने जल्दी जल्दी से कर दिया। आप इसको खूब टाइम देना, जितना टाइम दोगे आप देखोगे आपको उतना बेहतरीन दिखेगा। आज आपको क्या करना है, इस कैनवा की प्रैक्टिस कर लेना है, पीपीटी से बनाने का मन है तो पीपीटी की प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ कैनवा या पीपीटी में आपसे बन नहीं रहा है, ठीक है, आप करना चाह रहे हो कुछ तो कल मुझसे पूछ लीजिए आप कि सर ये बनाना चाह रहा हूँ, नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा कैनवा में या फिर इसमें, ठीक है। इंस्केप को इंस्टॉल कर लीजिए, एक दिन आपके पास और है, मतलब कल का दिन है, जिसमें आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स आप आराम से पूछ सकते हो, क्योंकि उसके बाद फिर आपको हॉलीडे रहेगा। तो आप जितना जल्दी से जल्दी हो गया, मैं चाहता हूँ आप पोर्टफोलियो एकदम आपका मतलब ऐसा पोर्टफोलियो हो कि देखने के बाद लगे कि यार कुछ अलग है। जिसके पास प्रोजेक्ट्स कम होंगे मुझे बताना, जैसे कि मैं आपको कुछ और प्रोजेक्ट्स भेज दूंगा, बट किसी और का प्रोजेक्ट कॉपी मत करना, ठीक है, जैसे किसी ने मेहनत किया हुआ है तो उसके मेहनत को कॉपी मत करना। आप चाहते हो कि सर इसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा यूज करना चाहता हूँ, तो उस प्रोजेक्ट में मॉडिफिकेशन करके आप यूज करना चाहे तो कर लीजिए, बट कॉपी मत करना। क्यों? क्योंकि आप अप्लाई करोगे तो ओपनिंग के लिंक तो मैं ही दूंगा, हर जगह पर सेम सीवी अगर पोर्टफोलियो चला गया तो सबका रिजेक्ट हो जाएगा, और प्लस जिसने इतनी मेहनत किया है उसके मेहनत को भी यूं जाया नहीं कर सकते हैं, उसके 10 घंटे 15 घंटे लगे हैं। हाँ, आपके पास मॉडल कम पड़ रहे हैं एक दो, तो आप क्या कर सकते हो, किसी का प्रोजेक्ट को थोड़ी मॉडिफिकेशन करके, थोड़ी उसमें चीज़ें डिलीट करके अपने लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट पूरा का पूरा यूज किया तो गलत हो जाएगा वो। हाँ विद ब्रह्मा बोलो, बेद्रमा बोलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर, मेरा एनस्केप का वो मटेरियल लिंक भेजे थे ना डाउनलोड के लिए, वो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो आधा डाउनलोड हो रहा है फिर ऑटोमेटिक डिलीट हो रहा है, मतलब बंद हो जा रहा है। नेट स्लो होगा बेद्रमा, उसका कोई तुम जानते हो, लैपटॉप से कर रहे हो कि मोबाइल से कर रहे हो? सर मोबाइल से कर रहा था, मोबाइल से भी अरे किया लैपटॉप से किया, दोनों से किया। लैपटॉप से ही करना पड़ेगा, मोबाइल से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सर मैं मोबाइल दोनों से। से करके देख चुका हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, हाँ, तो मैं नेट से डायरेक्ट सोचा तो अटैच हो रहा होगा ना, नेट से। हाँ सर, हाँ, तो नेट से डायरेक्ट डाउनलोड करके लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना ध्यान दिया करो कि जब रेविट सॉफ्टवेयर को ऑन करो उसमें नेट बंद रखो, ठीक है, और हाँ जब ऑन हो सर, जाए सॉफ्टवेयर तब नेट ऑन कर लो, कोई पंगा नहीं होता। क्योंकि देखो मैं क्या करता हूँ, यही करता हूँ ना, आपकी क्लास से पहले मैं ऑन करके रखता हूँ, ठीक है, हाँ सर। चलेगा। सर और एक है उसमें जो इसमें आपका जो टेलीग्राम पे जो लिंक भेजे थे ना, उसमें टेलीग्राम पे डाउनलोड करने के लिए दिए थे 600 MB का कुछ, वो डाउनलोड हो रहा है लेकिन उसको कैसे, मतलब उसको वो तो JPG फाइल में है, उसको एक्स्ट्रा के वो तो नहीं होगा ना?
जेपीजी फाइल में मैंने देखा नहीं है, मुझे किसी लड़के ने भेजा था, मुझे किसी नहीं एक सर, जीप फाइल, जीप फाइल तो जी फाइल को एक्सटेंड कर लो ना, सर। ठीक है, मैं करके देखता हूँ। राइट क्लिक, नहीं एक्सटेंड करना नहीं पता क्या, राइट हाँ क्लिक सर, पता है, लेकिन एक्सटेंड, उस वो एक्स्ट्रा में किया नहीं है। करके देखो ना ठीक है तो सर। चलेगा। हाँ परवेश बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मेरा एक डाउट तो यही था कि मेरा एनस्केप नहीं हो पाया। अगर मैं वीरे अगर कर रहा हूँ तो शुड आई नीड टू डिलीट दैट वन एनस्केप, पहले इंस्टॉल करके फिर यस इंस्टॉल यस करना यस पड़ेगा क्या यस वीरे? यस यस, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा इंस्केप को, उसके बाद आप वेरी करेंगे। देखो कर तो सर सकते हो, वी, रेबिट से भी रेंडर कर सकते हो, बट रेबिट के रेंडर में क्वालिटी नहीं है अपग्रेड होते हाँ हुए। सर, मैंने ट्राई किया था सर, वो क्वालिटी नहीं है ही मेरे पास जैसे उसमें आती है। हाँ तो सर वीरे में गेट इनटू माय पीसी से कर लूँ उसको भी यस डाउनलोड? यस यस, गेट इनटू पीसी से करके इंस्टॉल कर लो और उससे रन करा सकते हो। जिसके पास भी हाँ पुराना ग्राफिक्स है या फिर एचपी या फिर क्या बोलते हैं इंटेल का ग्राफिक्स है, उन सबको इंस्केप नहीं चलेगा, उनको वीरे करना पड़ेगा, बाकी लोग को चल जाएगा। और बताओ। हाँ और सर अभी जो दिखाया पोर्टफोलियो सर बहुत सही है, हम भी ऐसा ट्राई करेंगे बनाने का, बट सर उनका जो मॉडल की क्वालिटी थी आई थिंक उसको टाइम लगेगा, वो क्वालिटी हमें अभी आई नहीं है काइंड ऑफ मॉडल्स की, जैसे लाइटिंग्स वगैरह लगा के प्रॉपर, वो अभी तक उसमें टाइम लगेगा। बिल्कुल, तो सर अभी अभी देखो जितना है वो उतना ही उसमें लगा देंगे जो हमारा यस यस प्रोजेक्ट है। यस, अभी देखो क्या होता है ना कि मतलब कैसे ना, परफेक्शन नाम की जो चीज़ होती है नहीं आती है। अब इनका जो आज का मॉडल है, मतलब जो अभी करंट आज का मॉडल में बताऊं तो वो दिखाएंगे तो इनका पोर्टफोलियो लगेगा कुछ नहीं बनाया इन्होंने, ये तो और अच्छा है, ठीक है। हाँ तो ये तो डेली अपग्रेड होगा ना, लेकिन अब हमें तो युद्ध पे चलना है, तो अभी जितने शस्त्र तैयार हैं उतना तो हम रेडी कर लें, ठीक है। सही है तो तब तो। हमें और बाद में क्या करेंगे ना, जो अच्छे नहीं रहेंगे उनको हम डिलीट करते जाएंगे और अच्छे ऐड करते जाएंगे। एक ऐड किया, एक डिलीट किया, एक ऐड किया, एक डिलीट किया, ये चलता रहेगा। ओके, तो हम एडिट करते रहेंगे उसमें मॉडल्स यस को यस जितने भी हैं, लास्ट रिजुविनेट, में बनेगा एकदम परफेक्ट जो भी एग्जैक्टली। होगा। लेकिन हमें लास्ट तक इंतजार नहीं करना है, तब तक हमें 4-5 इंटरव्यू के कॉल्स लेने हैं, इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट रेडी हो जाए, ठीक है। ओके ओके दिक्कत क्या होती है कि आज अप्लाई करोगे तो कम से कम 1 महीने बाद रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। अभी 1 महीने है ना, तब तक हम काफी अपग्रेड कर लेंगे, ठीक है। ओके ओके तो सर। एटलीस्ट तब तक हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो रेडी रहे ना, कि चलो है हमारे पास कुछ कि हम रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो सकता है इसके बेस पे, ऐसा, ठीक है। ओके तो अभी चलो जितना भी हो सकता है उस पर डिजाइन करके यस मॉडल यस अभी अपलोड करके, अभी यस, सीवी वगैरह, सीवी सर वो भी एडिट करने पड़ेगी क्या हर एक की या सीवी फिर? हर कंपनी के लिए सीवी इंडिविजुअल एडिट करेंगे, ठीक है। हर कंपनी ओके के लिए हमें अलग तरह से सीवी, मैं दिखा दूंगा एक बार कि कैसे करते हैं, क्योंकि देखो हर कंपनी की जरूरत अलग है ना, तो जब जरूरत अलग है। बोलो बोलो बोलो। वही सर कि अभी जो अपने पास है, अभी तो आपने एक ही टाइप का भेजा था वो अभिषेक प्रियदर्शनी का, वैसा ही सबने सीवी टाइप बना वही दिया था। रहेगा, टाइप वही रहेगा, उसके अंदर जो कंटेंट देखा है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन की इंटर्नशिप में क्या क्या सीखा है, वो केवल चेंज होगा बस। अच्छा। सीवी कभी भी चेंज नहीं होता, मतलब डिग्री कैसे चेंज करोगे तुम, नाम कैसे चेंज करोगे, तो केवल इंटर्नशिप में क्या सीखा है सामने तो वाले उसके ने, जो कंटेंट चेंज करने हैं, जो कंटेंट है उसमें बस वो चेंज करता है। 2 से 3 लाइन, केवल 2 से 3 लाइन चेंजिंग हर बार रहेगी बस, ठीक है। ओके तो सर आपने व्हाट्सएप पे जो जो भेजा है अगर उस पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें चेंज करके फिर हम भेजें उनको उनको। देखो कि उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, अगर जॉब डिटेल्स लिखा हुआ है तो उनके जो कंटेंट लिखे हुए उन्होंने कि मुझे उनको ये चीज चाहिए, कॉपी करके डाल दो अपने रिज्यूम के अंदर, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिखा हुआ है उनको आप अपना सेम रिज्यूम भेज सकते हैं। तो आई थिंक सर हम पोर्टफोलियो बनाने के बाद ही उनको अप्रोच करें तो बेटर रहेगा, राइट? यस हाँ, लेकिन पोर्टफोलियो जल्दी बना के हमें अप्लाई करना है। रीजन क्या होता है, स्टार्टिंग की 5-6 कंपनियों में हमें रिजेक्शन मिलता है, ठीक है, और वो यस सर। रिजेक्शन से हमें पता चलता है हम गलत कहाँ हैं और कहाँ और वर्क करना है, तो उसके लिए हमें रेडी तो रहना पड़ेगा ना, ठीक है। ओके तो सर। इसलिए क्या बोलते हैं, एवरी डे इज इम्पॉर्टेंट, तो जितना जल्दी हो सकता है अपग्रेड कर दो, ठीक है। अभी देखो आपका जो आपके बाद वाली जो बैच स्टार्ट थी उसने भी स्टार्ट कर दिया पोर्टफोलियो बनाना, मुझे पता है अभी उनकी क्वालिटी आप लोग से भी खराब है, ठीक है, लेकिन ये है कि क्वालिटी धीरे धीरे आएगी ना, एक दिन तो आएगा नहीं। हाँ सर, तभी तो हम सोच रहे हैं कि पोर्टफोलियो बनाने के बाद जो हमारे पुराने मॉडल्स हैं ना, हम उनको भी वापस ट्राई करें कि और यस अच्छा यस, बनाएं, एक लड़का वही तो प्लान है। एक लड़का था तुम्हारे सीनियर बैच में, नाम नहीं लूंगा, वो बोलता सर मैं जब पूरा सीख लूंगा तो बेस्ट प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। देखो तो कभी कभी गुस्सा तो मुझे भी लग जाती है कि जब मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेके कि अभी से स्टार्ट करो तो ये दिमाग क्यों लगा रहा है, ठीक
ठीक है। हाँ फिर मेरे पर कुछ नहीं बोला, मैंने लगा ठीक है, मैं थका हुआ था, मैंने कहा ठीक है ठीक है। और उसके बाद उसने पूरा सीख लिया, ठीक है। सीखने के बाद अभी उसका ट्रेनिंग भी लगभग लगभग कंप्लीट होने को आया, बट उसका पोर्टफोलियो बना नहीं। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहा है कि जिस दिन मेरा परफेक्शन आ जाएगा उस दिन मैं बनाऊंगा, और वो कभी दिन आता ही नहीं है। कभी दिन आता ही नहीं है। करेक्ट उसका सर। आज तक नहीं बना उसका, ठीक है। अब आगे हमारे भी क्या बताओ। होता है सर, अब आप एक दिन में असाइनमेंट दे देते हैं ना, तो हमें हमारे लिए टास्क हो जाता है कि हमें कैसे भी यस करके कंप्लीट करना है फॉर द नेक्स्ट डे। तो एग्जैक्टली उसके लिए परफेक्शन के लिए ऑब्वियसली टाइम चाहिए, यस। सीट ये मैं आपको वही बात। पांच पांच दिन क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। इस 5 दिन को देने का यही उद्देश्य है कि जो आपके मॉडल हैं, ठीक है, जैसे आप उनको और एग्जाम में, मॉडिफाई करें। हाँ, जैसे आप एग्जाम में लिख लेते थे जल्दी जल्दी में, फिर जब लास्ट में आधा घंटा बचता था तो क्या करते थे? हेडिंग डाल लिया, फिर कलर कर दिया, करते थे ना। अब यस सर, वही यस चीज सर। आपको अपने प्रोजेक्ट के साथ करना है। सो दैट अभी कार लगा दिया, रोड लगा दिया, लैंडस्केपिंग कर दिया, तो कुल मिला के अब प्रोजेक्ट को डेकोरेट करना है जो किया है आपने। अब इसके साथ दिक्कत किसको होगी? जिसने प्रोजेक्ट ही नहीं किया वो डेकोरेट क्या करेगा? उसको पहले हाँ, बनाना उनको पड़ेगा। टाइम लगेगा, हाँ टाइम ठीक है, लगेगा। इसलिए बस स्टार्ट कर दो आज से, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, चले थैंक। अबे बोलो। हेलो हाँ सर, भाई, मैंने आपको है ना एक ऑटोकैड प्लान भेजा है, वो ओके। क्लासरूम का आपको मैंने बोला था ना। हाँ, हाँ, अच्छा, तो वो वो चेक। जो प्रोजेक्ट चल रहा था तुमने बताया, कोई होटल कॉलेज का कोई बता रहे थे ना फोन पे नंबर। हाँ, कॉलेज में क्लासरूम बनाना था हाँ हाँ 5, वो करेक्ट मैंने करेक्ट, उसका 2D ड्राइंग बनाया है, तो एक बार ओके चेक करो ना। चलेगा, मैं देखता मेल किया आपको। हूँ। ओके ओके चलेगा। हाँ कि बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। किसी और का सर माइक एक ऑन करके कर क्वेश्चन लो, सर बोलो। क्वेश्चन ये था कि जैसे ही रेविट में हम सब इमेज इंस्टॉल करते हैं वॉल वॉल पे आउटसाइड से, तो वो एस्केप में रेंडरिंग में नहीं शो करता है, और क्या कहते हैं ट्रीज भी अलग ही शो करता अलग ही है शो, वहाँ रेविट का में मटेरियल पूरा अलग रहेगा। अगर जी आप सर। उसमें इस, सिर्फ ग्रीन ग्रीन सिर्फ ट्रीज भी हाँ शो हाँ करते हाँ और रेंडर देखोगे तो रेंडर में पूरा दिखेगा, हैं जी सर। ठीक है। तो इंस्केप का मटेरियल, इंस्केप का क्या बोलते हैं, जो कंपोनेंट है वो पूरा अलग रहेगा, उस पे ही उसको रेंडर करना पड़ेगा। जो आपने रेविट पे लगा के प्रैक्टिस किया बुरा नहीं है, क्योंकि कल को ऐसा भी हो सकता है किसी कंपनी में गए उनके पास इंस्केप ही ना होता, ठीक है, तब तो आपको रेविट की रेंडरिंग काम देगी ना। तो अभी जी सर। अभी अभी क्या हो गया, अभी रेंडरिंग के लिए भी ना AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ठीक है। ऑटोमेटिक आप मॉडल दे देंगे, रेंडर हो जाएगा। बट मैं आपको अभी क्यों नहीं बताऊंगा वो, क्योंकि अभी बता दिया तो आप रेंडर की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, पहली चीज़। दूसरी ऑफकोर्स दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब आप रेंडरिंग के लिए, मैंने क्या बोला था लास्ट में कि आपको 5-6 प्रोजेक्ट बड़े गंदे गंदे रेंडर होंगे करना, क्यों क्यों, फिर उसके बाद जी धीरे सर। धीरे समझ आने लगता है, अच्छा इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूँ, इसका ये कर दूँ, वो कर दूँ, फिर बढ़ने लगता है। और अभी क्या बोलते हैं, रेंडर के लिए भी ना ऑटोडेस्क खुद से भी रेंडर करके देता है, ठीक है। ऑटोडेस्क अभी आगे क्लास में बताया भी है मैंने, ऑटोडेस्क ऑटोमेटिक रेंडर आपसे पैसे लेता है वो, ठीक है, रेंडर करने के लगभग $1-2 के आसपास, अलग जिस क्वालिटी का चाहिए आप सीधे उसको मटेरियल प्रोजेक्ट दे दीजिए, वो रेंडर करके आपके मेल पर भेज देगा फाइल को, ठीक है। और मजे की बात ये है कि उसके साथ आप अपना काम दूसरे प्रोजेक्ट पर करते रहिए, आपका टाइम लॉस नहीं हो रहा है, वो रेंडर करके आपको दे दे रहा है खुद ही, ठीक है। तो कई ओके कंपनी सर। ऐसी करती हैं, बट हमें इंडिविजुअल मैनुअली ये भी सीखना है जो आप कर रहे हो, सर ये रेंडरिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे बेटर है, ये ठीक है। एंडस्केप इंस्केप या इंस्केप सबसे बेटर है अगर आपका सिस्टम हल्का है तो, ठीक है। ओके वीरे भी है लेकिन और क्या क्या थे, लुमिनो भी है। लुमियन भी है, वीरे भी है, एक ब्लर मोशन करके एक होता है वो भी है, सर और ट्विन, एक ट्विन मोशन करके है वो भी है, बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं बट बेस्ट ये है सर। जो आपके लैपटॉप के लिए अच्छा है, और क्वालिटी के हिसाब से इंस्केप को सबसे ज़्यादा रेटिंग मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर इंस्केप अच्छा के बाद कोई आता है तो वीरे आता है, ठीक है। वीरे सबसे हाई लेवल का हो अच्छा गया, ठीक है। ओके। लेकिन वीरे को करने में दिक्कत क्या होती है, वीरे को करने में सबके लैपटॉप में सपोर्ट ही नहीं कर, मतलब हैंग करने लगे एक लैपटॉप सबका, अच्छा मेरे पास सर राइजन है, क्या कहते हैं एनवीडिया का है, ठीक है। RTX। एनवीडिया नहीं, आप इंस्केप यूज करो, इंस्केप में क्या है ना जल्दी जल्दी काम हो जाता है ना, तो वीरे जी में सर। टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, और वीरे का क्वालिटी अच्छा है वीरे का, तो भाई सीधे सीधे वीरे से बड़ा तो कोई नहीं है, क्योंकि ये रेंडर की फील्ड में सबसे पहले आया ही वीरे था, ठीक है। तभी देखो 3ds Max में वीरे यूज होता है, तो सर इंस्केप ये में क्या कहते हैं एनस्केप और वीरे दोनों एक साथ इंस्टॉल हो सकता है रैबिट में। एक साथ शायद नहीं इंस्टॉल होगा, मैंने किया नहीं एक साथ, बट क्या बोलते हैं, एक साथ शायद नहीं होगा। हेलो सर, होता हेलो, है, मैंने किया है। किया है क्या? ओके, मैंने नहीं किया है, ठीक
ठीक है, सबने ने ट्राई किया है तो तुम लोग भी कर सकते हो अगर आपका मन करे तो। बट आई थिंक इंकस्केप इज सफिशियंट फॉर योर लेवल, ठीक है, आपके लिए इंकस्केप सफिशियंट ओके सर, यस सर, बाद में फिर देखेंगे। हाँ, मतलब कैसे एक बार ना एक बेसिक लेवल आ जाए फिर आप यस सर, एक्सप्लोर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कर लिया पता यस चला हैंग करने लगा, दोनों में से कुछ ना हो तो भी गड़बड़ हो जाएगा, जी सर, ठीक है। मैं तो खुद इंस्केप को ही प्रेफर देता हूँ, क्योंकि इंस्केप में क्या है कि उसके जो कंपोनेंट है ना उनको लगाने के बाद, जैसे तुमने रेबिट के कंपोनेंट लगाए होंगे पूरा सिस्टम ऐसे हिलने लगा होगा, ठीक है, कार जी वगैरह सर, वो दो तो तो कंटिन्यू। हाँ। लेकिन ये चीज़ इंस्केप की अच्छी है कि आप उसमें कार ले आ दो, ट्री ले आ दो, उनके साइजेस कम है, कम केबी के हैं, इसकी वजह से हैंग कम करते हैं, ठीक है। तो और ज़्यादातर अपने स्टूडेंट लाइफ में सबके लैपटॉप नॉर्मल ही होते हैं तो इंस्केप बेटर रहेगा, यस चलेगा। चलो अभी आज प्रोजेक्ट आप लोग का नहीं चेक कर पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं हम लोग इसमें बिजी रह गए, कोई बात नहीं, कल हम आपका प्रोजेक्ट भी चेक करेंगे, कल भी हम लोग ऐसे गूगल मीट पे ही करेंगे, सो दैट किसी को डाउनलोडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कुछ भी डाउट हो रहा है तो अपना सिस्टम भी स्क्रीन भी शेयर करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। और कल तक आप अपना रेडी रख लो रेंडर का पूरा कंपोनेंट, एक बार कैनवा चला के देख लो, कुछ दिक्कत आए तो कल पूछ लो, ठीक है। और आपको आज कुछ नहीं करना है, अब बोलो सर ऐसा आप कभी छोड़ते नहीं हैं कुछ नहीं करने के लिए, तो आज आपको एक 5 स्टोरी का छोटा सा अपार्टमेंट बनाना है जो मैं आपको ग्रुप में साथ भेजा हूँ, नहीं भेजा हूँ तो भेज दूंगा, ठीक है, बस इतना ही काम करना है। और लेक्चर 15 तक सबका हो गया होगा, तो जिसका जिसका हो गया है एक्सेल सीट जरूर भेज देना। हाँ परोज बोलो। हाँ सर, एक रिक्वेस्ट थी, जो अभी आपने पोर्टफोलियो दिखाया वो रेफरेंस के लिए मिल सकते हैं क्या? मैं आपको कम से कम 35-35 पोर्टफोलियो दूंगा, ठीक है, तो ओके जिससे कि ज़्यादा ज़्यादा आपको दिमाग में आए, और उसमें से कुछ आपका काम ये रहेगा कुछ स्ट्रक्चर्स करेंगे तो उनको नेगलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं अलग करके भेजूंगा टाइम लगेगा, तो मैं एक साथ सारे भेज दूंगा पोर्टफोलियो, उसमें जो स्ट्रक्चर के हैं उनको आपको नहीं देखना, आप समझ तो आ ही जाएगा भाई, स्टैट प्रो ईटीएफ लिखा हुआ, मतलब उसको नहीं देखना है, बाकी आप अपने देख लीजिएगा, 30-35 पोर्टफोलियो भेज दूंगा, ठीक है। ओके ओके चलो जी देखते हैं भाई किसने किसने, कुछ लोगों ने मॉडल अच्छा बनाया है, होप सो, बट कल आपका मॉडल चेक करूंगा विथ 5 स्टोरी अपार्टमेंट, दोनों के साथ हो जाएंगे, और फिर उस पर जो डाउट रहेगा करेंगे, ओके जी, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है तो इसमें तो स्टैंडर्ड तो तुमको देखना ही नहीं रहा होगा, क्यों अब है अच्छा बनाया है, ओपन स्पेस दे दिया है, क्लासरूम दे दिया है, ठीक है। नहीं, और पूरा बनाया हुआ है वो हाँ तो मतलब इसका साइज तो बन फिक्स, साइज तो फिक्स गए। ही ओके था, हाँ, साइज वो जो उन्होंने रिक्वायरमेंट दिया था उसकी साइज पे डाला है। ओके। एक इसके 2D चेयर्स नहीं मिले क्या, मतलब जैसे कि चेयर तुम्हारे भरे भरे हैं तो 2D चेयर्स नहीं मिले क्या, 2D चेयर समझ रहे हो ना, मतलब कि हाँ, ऐसे, 2D अच्छे ऐसे डाले वो, एक्चुअली वो ये व्यू में ऐसा दिख रहा है। अच्छा व्यू अलग है क्या, ओके 3D भी बनाने लगे, क्या बात है, चलो लिफ्ट एरिया है, पैसेज एरिया है, ओपन एरिया है, क्लासरूम्स है, ओके वेरी गुड, ठीक है। ये क्या दरवाजे ऐसे एकदम सटा के लगे हैं दरवाजे, हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। और क्लासरूम बना दिया, ठीक है, टॉयलेट एरिया बना दिया, अच्छा ट्यूटोरियल रूम सर, ट्यूटोरियल रूम है दोनों, उनका टॉयलेट बाहर के साइड ही है, ये उनका ओके ओपन टेरेस था तो उनको इधर ही ये करना था पूरा हाँ तब तो ठीक है। क्लासरूम अभी और अब देखो इसमें कोई चेंजिंग तो तुम कर नहीं सकते हो, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है भाई जो बना है वही बनाना है, ठीक है, अच्छा बनाया है, बट ये कैसे कि तुमने हैचिंग फील कर दिया क्या, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक ना बगल में एक रेफरेंस दिखा देना कि जो रेड कलर की हैचिंग है इसका मतलब है 9 इंचेस है, जो ब्लू कलर का है इसका मतलब 4.5 इंचेस है, तो बगल में एक चार्ट लगा देना, ठीक है, जिससे कि समझ में आ जाए कि अच्छा ये चीज़ क्या है, मतलब सामने वाले को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, और इस तरीके से बस, और बाकी तो सब सही है। और यहाँ पर जो डोर लिखे है ना जैसे कि MD, तो बगल में लिख देना MD साइज इक्वल टू इतना, ठीक है, उसके बाद क्लासरूम्स के जो डोर होंगे मान लो उसका नाम दे दिया D2, तो D2 साइज ही है, तो ऐसे चार्ट बना देना जरूर बीच में बगल में, ओके ओके बाकी तो परफेक्ट है, पूरा करो, अभी तो एक फ्लोर ही बनाया हो शायद ना, एक ही फ्लोर है वो, नहीं करना, इतना ही करना था, इंटीरियर का प्रोजेक्ट। अच्छा तुम बोले थे कि वो 20 उस फ्लोर कुछ बनाना था, हाँ वो एक देना, वो देने वाला है, वो अभी तक दिया नहीं है उन्होंने, वो दीवार पर दूसरा मतलब मेडिकल कॉलेज का है वो, 13 फ्लोर बनाना है उसका। चलेगा, चलो अंकित कुछ बोलना चाह रहे हैं बोल दो भैया फिर चला जाए क्योंकि अभी, हाँ अंकित बोलो, अंकित रोहित सर गलती सॉन हो गया उससे, हेलो, ठीक है, चलो हम लोग को पोर्टफोलियो बनाना सबको समझ में आ गया है, आज आप उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो भी दिक्कत रहेगा कल पूछ लीजिएगा,
फिर इसके बाद 5 5 डेज लगा के एकदम मन लगा के एकदम बेहतरीन कर देना उसको, जिससे कि जब हम लोग 6 तारीख को अपनी क्लासेस स्टार्ट करें तो उस दिन ऐसी क्वालिटी दिखे, ऐसी क्वालिटी दिखे कि बस आपके पोर्टफोलियो को देखने के बाद ऐसा लग जाए कि यार इसको डन कर दिया जाए। जो भी आपके प्रोजेक्ट है ना, अब आपको नए प्रोजेक्ट बनाने में ज़्यादा टाइम मत लगाइए, जो प्रोजेक्ट है उनको बेहतर कर दीजिए, ठीक है, उनको लैंडस्केपिंग बेटर कर दिया, उनकी डिजाइनिंग में थोड़ा परिवर्तन ला दिया, इस तरीके से करके उसको बेहतर कर सकते हैं और करके फिर पोर्टफोलियो बनाइए, फिर मज़ा आएगा, फिर देखेंगे कैसे आगे रहता है। फिर आपको अप्लाई करने का टेक्निक बताऊंगा, ऐसे किसी को रिज्यूम फेंक के नहीं देना है आपको, रिज्यूम देने समय एक मैनर के साथ देना है जिससे कि जाए तो फिर लगे। हाँ राजकौर बोलो। सर ये कह रहा था कि जैसे ये क्या कहते हैं हम लोग जो पोर्टफोलियो बनाएंगे ये BIM का अपना अलग होगा, जैसे जो जैसे मैं एक्सपीरियंस हूँ तो क्या ये जहाँ पे 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं BIM में, तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस मेंशन करना पड़ेगा या ये BIM पोर्टफोलियो चलेगा? ये जो पोर्टफोलियो है BIM का ही पोर्टफोलियो है, जब इसके हाँ क्या हाँ BIM मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर डिटेलिंग करना, अभी क्या कर रहे हैं मॉडल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे रेवी स्ट्रक्चर सीखोगे क्या हो जाएगा वहाँ पर डिटेलिंग सीख कर लोगे, फिर उसके बाद फिर क्या सीखोगे MEP सीखोगे तो वहाँ पर एक प्लम्बिंग दिखा दिया, फिर उसके बाद टिकला सीखोगे तो टिकला का एक मॉडल, मतलब पोर्टफोलियो तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा, तो ये पोर्टफोलियो का फर्स्ट स्टेप है जो तुमने किया अभी, फिर तो समझ बहुत गए? सारे पेजेस तो बहुत हो जाएंगे हाँ, सर सब लगभग देखा 50 पेज होगा, ठीक है, 50 पेज होगा, उसमें भी मतलब होगा तो लगभग 100 पेज के आसपास, 80 70, जो अच्छा बनाएगा 70 80 जाएगा, उस 70 80 में से हम लोग कम से कम 35 40 डिलीट कर देंगे, ठीक है, सिर्फ फ्रंट पे क्या रखेंगे जो क्रीम चीजें हैं, मतलब क्योंकि फ्रंट ये भी ध्यान देना होगा कि 25 MB से ज्यादा ना हो, क्योंकि क्या मिल जाती नहीं, ट्वेंटी फाइव एम बी से नहीं नहीं कर सकते हैं ना, लिंक शेयर करेंगे ना, अच्छा अच्छा लिंक अच्छा अच्छा वो लिंक लिंक बना दे, ड्राइव पर अपलोड करके लिंक बना देंगे, ठीक है। आप ये जान लो कि ये बिना पोर्टफोलियो सेंड किए किसी भी PIM के इंटरव्यू में आपकी शॉर्टलिस्टिंग आएगी ही नहीं, कई लोगों ने अप्लाई करके देखा भी होगा तो उनको पता भी होगा कि वो तब तक आपको इंटरटेन नहीं करेंगे जब तक आपके पास ये रेडी नहीं रहेगा, ठीक है, वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेंगे, उनको पहला कोई भी HR होगी ये बोलेगी सेंड मी योर पोर्टफोलियो, पहला क्वेश्चन यही रहेगा रिज्यूम के ठीक बाद। है। तो ये सब तो करने के बाद सर जैसे क्या कहते हैं जिसको एक्सपीरियंस है वो क्या मतलब अपने को उस तरह से रेडी करना है कि सबको हमें BIM में ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि नहीं नहीं ये एक्सपीरियंस तो आप दिखाएंगे अपने जब वहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, तो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जब आप इंटरव्यू में जाएंगे वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस से लेना देना रहेगा, पोर्टफोलियो सबका वैसे ही रहेगा, एक्सपीरियंस वाले का पोर्टफोलियो थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं एक पोर्टफोलियो भेजूंगा देखना, तुम्हारे उसमें ही रहे ग्रुप में भेजूंगा, उसका नाम है अपना अंकित, सॉरी उसका नाम था, ठीक है, उसको 9 लाख के पैकेज लगे हुए हैं, 4 साल का उसको एक्सपीरियंस है और 9 लाख का पैकेज लगा था, अब नाम नहीं याद आ रहा मुझे, मैं ग्रुप में भेजूंगा देख लेना, ठीक है, तो मैं ठीक है सर बता दूंगा ठीक है इंडिकेट कर दूंगा, तो देखो उसका पोर्टफोलियो, उसके पोर्टफोलियो का लेवल और हाई है, ठीक है, जिसका जितना ठीक है ठीक एक्सपीरियंस ज्यादा है उसको पोर्टफोलियो का लेवल उतना हाई होना चाहिए, अदरवाइज सेम इंटरटेन होगा जैसे कि फ्रेशर, क्योंकि काम तो वैसे ही देना प्रेशर चाहिए, के ठीक है। वही सर, क्योंकि जैसे जहाँ पे एक दो जगह हमने भेजा भी है अपना, तो उसमें क्या है कि उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड या डिजाइनिंग का मतलब इसका BIM का और डिजाइनिंग का उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मतलब शॉर्टलिस्ट करने के बाद इंटरव्यू नहीं के करा, टाइम नहीं हुआ है, शॉर्टलिस्ट तो हुआ था शॉर्टलिस्ट एचआर ने एक्चुअली। किया है ना, दिक्कत ये होती है एचआर ने किया, उसको नहीं पता ना उसको क्या चाहिए कंपनी को, ठीक है, उसने किया है, बट मेन इंटरव्यू में आपको रिजेक्शन मिलेगा, उसका रीजन ये है कि उनको लगना चाहिए कि आप BIM के लिए आए हो यहाँ पर, हाँ, तो नहीं जैसे सर मेरा ये कहने का मतलब था कि इंटर्नशिप हम लोग इधर कर रहे हैं इधर सीख रहे हैं, लेकिन वो हम हमारे जो एक्सपीरियंस है वो भी ऐड होके तो फिर क्या है कि और भी मतलब अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। अभी एक लड़का वो विकास श्रीवास्तव करके उसका रिज्यूम दिखा, पोर्टफोलियो दिखाया तुम लोग को, विकास श्रीवास्तव जियो में था, 4 साल उसने जियो में साइट इंजीनियर था वो, ठीक है, और ऐसा नहीं उसकी सैलरी खराब थी, उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी, 50,000 सैलरी थी जियो में, ठीक है, लेकिन अभी उसको ऑफिशियल जॉब स्टार्ट करना था तो उसको 35,000 का ऑफर हुआ, उसने एक्सेप्ट किया और बहुत समझदारी किया, अभी वो टीम लीडर बन गया पक्का, उसका इस बार अप्रेजल जो होगा तो 45 के आसपास पक्का जाएगा, तो मतलब वो जो रेंज था 4 साल में जो पाया था वो रेंज BIM के अंदर मुश्किल से 2 साल के अंदर पा जाएगा, ठीक है, तो लेकिन सर उसने क्या क्या फायदा फायदा हुआ क्योंकि क्यों, 2 साल बाद फिर आगे का फ्यूचर क्या हो गया, जब वो BIM कोऑर्डिनेटर बनेगा तो कम से कम 1 लाख रुपए उसकी सैलरी होगी, फ्यूचर देखो, हाँ ठीक है, BIM कोऑर्डिनेटर बनेगा तो 1 लाख सैलरी होगी,
बीआईएम मैनेजर बनेगा तो 100% लिख के दे रहा, उसकी जो क्वालिटी है बा स्पीकिंग की, मैनेज सर करने की, वो मैं 1.5 लाख होगी। इतना इतना पूछने के पीछे मेरा क्या पर्पज है कि जैसे मेरा 7 ईयर का एक्सपीरियंस है फील्ड में, और क्या कहते हैं मतलब बहुत सारे साइट इंजीनियर, मैं क्या कहते हैं सीनियर इंजीनियर, और रही बात अप्रेजल की, अभी मेरा क्या कहते हैं वो भी हो गया, मतलब रिवाइज हो गई है सैलरी, तो वो सब के बाद इसका भी हमें बेनिफिट उसमें मिले कि हम ये क्या कहते हैं बीआईएम में भी इसका बेनिफिट मिले कि हमारा वो जो 7 ईयर है वो हमारा वेस्ट ना जाए, वेस्ट क्योंकि कैसे जैसे नहीं जाएगा, उन्होंने इन्वेस्ट के फॉर्म में दिखाओगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। इन्वेस्ट के फॉर्म ओके मतलब कि नॉलेज का दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जी अगर आप देखो सीधे सीधी बात है, कागज की डिग्री से नहीं मानेंगे, वो देखेंगे आपने किया क्या है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जितने एक्सपीरियंस लोग हैं, लोगों फ्रेशर लोगों को लगता है कि हमारी सैलरी, हमारी जॉब टफ है, एक्चुअली जॉब टफ है एक्सपीरियंस वालों की। सर मेरा पूरा महीना भर इसमें चला गया है, अभी तक मैं क्या कहते हैं इसमें अपना रैबिट का 2 ही मॉडल बना पाया हूँ, वो भी मुझे पता है, क्लियर नहीं है। ठीक है। जब क्या होता है, जब एज ए कंपनी ऑनर सोचो ना, मैं कंपनी ऑनर हूँ, जब मुझे किसी को 60,000 रुपये देना है तब मैं ज़्यादा सोचूंगा कि जब मुझे किसी को 20,000 देना है तब मैं सोचूंगा। अभी तो इतना हमारे साथ वो हुआ है इस महीने उठा पटक कि हम दूसरी कंपनी में हमारा क्या कहते हैं वो भी हुआ, मतलब सिलेक्शन भी हुआ, ये वो सब दिखा के अपनी ही कंपनी में मैंने 25% हाइक लिया है अभी ठीक है, अच्छा जस्ट। है, करो, लेकिन इसको थोड़ा सा अपग्रेड करो। चलो मेरा क्लास का टाइम हो गया, 9 बज गया है, ठीक तो है दूसरी ओके क्लास सर होगी, ठीक है। चलो ठीक है, सभी लोग पोर्टफोलियो रेडी करेंगे, कुछ भी दिक्कत आएगा कल फिर से डिस्कशन करेंगे, और कल प्रोजेक्ट्स देखेंगे आपके, ठीक है। आज आपको सिर्फ अपार्टमेंट प्रोजेक्ट बनाना है, और जिसका 15 लेक्चर नहीं हुआ है करिए, बिना आप पोर्टफोलियो के बिलीव करिए कि आप मतलब समझिए कि आपने कोई पावर ही नहीं ऐड की अपने अंदर बीआईएम के रिलेटेड, पोर्टफोलियो इज मस्ट। चलो जी। जी।